जहन साथियों, मैं अभिराज और अभी आप सब देखना प्रारंभ कर चुके हैं इस वक्त अभिराज 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। सो दोस्तों, मैं इस वक्त आप सबको दिखा रहा हूँ झंझारपुर लोखा रेलखंड का अपडेट, जो कि झंझारपुर जैक्शन का मैं अपडेट इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका से बनाया गया और बहुत ही जो है बड़ा स्टेशन बनाया गया है। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा और सारा अपडेट मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि कब तक ट्रेन इस रूट में चालू होने जा रहा है और जो है सो कब तक आप सफर कर पाएंगे। सारा जानकारी मैं इस वीडियो में आप सबको देने वाला हूँ। तो आप सब चैनल में बने रहे और जो है सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप सब वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अब इस वक्त झंझारपुर लोखा रेलखंड के बीच का अपडेट, जो कि ये झंझारपुर जंक्शन का अपडेट है, जो कि झंझारपुर पर ये देख सकते हैं, जो कि मैं इस वक्त टिकट काउंटर के बगल में हूँ, जो कि देख सकते हैं यहाँ से टिकट काउंटर और यहाँ से ही जो है सो अंदर प्रवेश करने के लिए जो है सो देख सकते हैं सीढ़ी दिया गया। इससे ऊपर होके जो है सो प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं, जो कि मिथिलांचल का कुछ चित्र सब है देख सकते हैं। और देख सकते हैं इस वक्त प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़, जो कि झंझारपुर जंक्शन पर जो है सो ट्रेन आते ही रहते हैं हमेशा, जो कि दरभंगा सकरी से होते हुए झंझारपुर जंक्शन से होते हुए जो है सो निर्मली की तरफ जाते हैं। तो अभी फिर आप देख सकते हैं ये जो रूट है ये हमेशा चालू ही रहता है और इसी रूट से होते हुए जो है सो झंझारपुर लोकहा भी ट्रेन जाएगा। दोस्तों, झंझारपुर से होते हुए निर्मली भी जाया जाता है और झंझारपुर से होते हुए लोकहा भी जाया जाता है। तो झंझारपुर ही एक ऐसा जंक्शन है जहां से कटकर जो है सो दो लाइनें निकला हुआ है, एक लोकहा के लिए और एक जो है सो निर्मली के लिए। दोस्तों, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सी का व्यवस्था कितना अच्छा बहुत सारे जगहों पर नहीं किया गया है झंझारपुर लोखा रेलखंड में। और देख सकते हैं जो कि इसमें छत जो दिया गया है ऊपर से सारा चीज़ जो है से यहाँ पर कंप्लीट है। हालांकि फिर से इसे भी जो है से रिपेयर किया गया, हालांकि जिस तरीका से झंझारपुर लोखा रेलखंड में काम चल रहे हैं सभी स्टेशनों और हॉल्टों का, उसी प्रकार से यहाँ भी जो है सो फिर से बनाया गया इसको रिपेयर करके, जो कि देख सकते हैं चमकता हुआ देखने में लग रहा है। और जो है सो इस रूट में ट्रेन भी अगले सप्ताह से कि चालू होने जा रहा है। तो आप सबका इंतजार भी सब खत्म होने वाला है। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।